हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स फेवरेट फूड। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सात्विक तरीके से आलू और चने की सब्जी, जो मोस्टली अष्टमी और रामनवमी पर चने की सब्जी बनाई जाती है। आप इस तरह से बना के देखिए, ये बहुत बहुत अमेजिंग लगती है। सिंपल चने की सब्जी बनाने से अच्छा है आप इसे इस तरह आलू के साथ मिक्स करके बनाइए, इसका फ्लेवर ही अलग हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल चने, काले चने बोला जाता है इन्हें, तो ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे काले चने। और इन्हें इस तरह से मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा है। एक बाउल मैंने चने लिया था और मैंने इन्हें पानी में भिगो कर रखा है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में, पानी के साथ ही मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में। इसमें मैंने साथ में लिए हैं बॉयल्ड आलू। बॉयल्ड आलू मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकर में ही साथ में चनों के साथ ही आलू को बॉयल कर सकते हैं। 4 से 5 आलू इसमें डालिए अच्छे से वॉश करके, और तब इनके साथ बॉयल कीजिए। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक हम डाल रहे हैं, तो क्योंकि नमक हम बाद में भी यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने 1/2 चम्मच नमक अभी डाला है। और इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे अब हम गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने, और अब इसमें हम 4 से 5 सीटी आने तक इसको तैयार करेंगे। 4 से 5 सीटी आएंगे तब ये रेडी हो जाएगा और हम इसे चेक करेंगे। इतने हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से हम इस तरह से कूट के इसको पीस लेंगे, या फिर आप इसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं एक साथ। मतलब हमें अदरक और मिर्ची का एक पेस्ट तैयार करना है। मैंने आलू को भी छील लिया है और अब हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। मैंने लिया है 2 से 3 टमाटर और ये लिया है मैंने धनिया की डंठल। मोस्टली मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, तो धनिया की डंठल मैंने ली है और इसे अब हम पीस लेंगे। पीस लिया है मैंने। चने भी हमारे अच्छे से बॉयल्ड हो गए हैं, 4 से 5 सीटी आ गए थे। प्रेशर निकालेंगे, चेक करेंगे, रेडी है ये। देखिए बहुत अच्छे से बॉयल्ड हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए अच्छे से बॉयल्ड हो गया है, और अब हम इसे जो इसका पानी है वो अलग निकाल लेंगे और चने अलग कर लेंगे। अब रखा है मैंने कढ़ाई गर्म होने, उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप इसे घी में भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी कोई ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे हम 2 साबुत लाल मिर्च। आप इसमें खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अवॉइड कर रही हूँ। 2 तेज़पत्ता, जो बाकी के खड़े मसाले होते हैं लौंग, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसको 1 मिनट पकने के बाद। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। हम इसे बिना लहसुन और बिना प्याज के बना रहे हैं बिल्कुल सात्विक तरीके से, तो इसमें मैंने लहसुन और प्याज नहीं यूज़ किया है। आप अगर इसे प्याज के साथ बनाना चाहें तो इसमें टमाटो प्यूरी से पहले थोड़ा सा बारीक प्याज को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने हल्दी बॉयल करते हुए भी डाला है। और अब इसमें डालेंगे हम नमक, मैं 1/2 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। रेड चिली पाउडर मतलब मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च नहीं लिया है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला है तो मैंने लाल मिर्च अवॉइड किया है। बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें रेड चिली अवॉइड किया है। अब इसमें डालेंगे हम ये पानी, जो चने का बॉयल किया हुआ पानी है वही इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम इस तरह से पकने देंगे। थोड़ा सा इसको ढककर हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, उस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी से हम ढककर पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इस तरह से हमारे मसाले पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम
बॉईल किए हुए आलू, इसे मैंने कट पीसेस में कट कर लिया है और इसे इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम चने। चने और पानी को मैंने बिल्कुल अलग निकाल लिया था, चने का जो बॉईल किया हुआ पानी था वो बिल्कुल अलग यूज किया था और चने मैंने ऊपर से इस तरह से डाले हैं, चने बिल्कुल अलग निकाल लिए थे। तो अब इसको हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा ड्राई ही बनाना है, पतला वाला नहीं बनाना है, तो मैंने इसीलिए पानी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी रब करके। इसके बाद इसका फ्लेवर एकदम एकदम अमेजिंग हो जाता है, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है कसूरी मेथी डालने के बाद। मिक्स करेंगे इसको। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मैंने हाई फ्लेम करके इसको पकाना है, तो हाई फ्लेम करके हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है। ये बहुत बहुत अमेजिंग लगती है। आप सिंपल चने बनाने की जगह इस तरह से चने बनाइए, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है, बिल्कुल सात्विक तरीके से। पूड़ी वगैरह के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को बहुत बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल चने बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो मैं मोस्टली आलू के साथ ही इस तरह से सब्जी बनाकर रेडी करती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी लगती है ये। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको हाई फ्लेम पर पका रहे हैं, तो जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है अभी ये अच्छे से पक जाएगा। और जब मसाले वगैरह हैं इसका फ्लेवर एकदम से निकल कर आएगा, दोनों सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगी, ठंडा होने के बाद और भी ठीक हो जाती है। रेडी है ये बिल्कुल। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अब ठंडा होने देंगे थोड़ा, और उसके बाद सर्व करेंगे। ठंडा होने देंगे हम इसको थोड़ा और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। बहुत बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है ठंडा होने के बाद, ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है। पूड़ी वगैरह के साथ ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।